हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है करवा चौथ का दो दिन पुराना, मतलब कल करवा चौथ नहीं है, परसों करवा चौथ है, बट आज मैं मेहंदी लगवा के आ रही हूँ बिकॉज कल तो भयंकर लेवल पे भीड़ होने वाली है, रश होने वाला है, और कल फिर मैं अपनी मम्मी को मेहंदी लगा दूंगी, तो इसलिए मैं आज जा कर के मेहंदी लगवा के आ रही हूँ। मेरी आँख में कुछ लगा है क्या यार? आज मैंने मेकअप ट्यूटोरियल भी बनाया। मतलब ये वाला जो भी मेरा ब्रांड वाला सब चल रहा है ना, ये पॉज होगा नवंबर में, मतलब दिवाली के बाद ये थोड़ा ब्रेक लग जाएगा। करूंगी तो, बट लिमिटेड ब्रांड्स रहेंगे। चलो, मेरी मदर इन लॉ ने मेहंदी वाले की जुगाड़ करवा दी है। अब वो जो मेहंदी वाली है वो घर पे आ रही है। बेस्ट बेस्ट, मतलब मैं चाह ही रही थी कि ऐसा गुल गाड़ी अंदर रख देना फिर मेरी, मजा आ गया। तो मेहंदी वाली घर पे आ रही है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं उससे मेहंदी लगवाऊंगी और फटाफट से चेहरा वेरा वॉश करके आराम से चिल मारते हुए मेहंदी लगवाएंगे। कैसे, ये देखो # मुंबई वासी, मुंबई वाले लोग, ये अक्टूबर की ठंड में ये हाल है, भगवान जाने दिसंबर में क्या होगा। नहीं, अभी हम लोगों को बाहर जाना था, जैसे मैं भी ना, मैं टीनू और विक्की, जैसे मैं अभी बाहर गई थी, न्यू मार्केट गई थी शाम को अपने कुर्ते उर्ते जो मैंने ऑल्टर करवाने के लिए डाले थे उन भैया के पास, जो जैकेट पहना हुआ था, मैं बकायदा जैकेट पहन के जा रही हूँ। और अभी भी विक्की को जाना था मेरे को मेहंदी लगवाने के लिए। हम लोग पहले, मैंने सोचा यहाँ नहीं है तो चलो किसी के पास चलते हैं, तो विक्की ने जैकेट डटा लिया। हम लोगों ने सबसे पहले जैकेट ढूंढा, बाइक से ले जाते हैं, कार से चलते हैं क्योंकि ठंड, मैं जम जाऊंगी क्योंकि मैं पहन नहीं पाऊंगी ना, मैं तो मेहंदी लगवाऊंगी, तो वैसा है। ये सब उतार दो, हैंड मंगलसूत्र वगैरह। मेहंदी लगाना स्टार्ट करती हूँ, तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरी मेहरारू आ चुकी है। मेहरारू देखा, हाय गर्ल्स। तो ये मेहंदी लग चुकी है, ये अरेबियन, ये फुल, क्योंकि मेरे को इतनी नींद आ रही थी। टीनू और हम दोनों बैठ करके वहां पे ऐसे यॉन कर रहे हैं, दोनों के दोनों ऐसे यहीं लुढ़क जाएंगे। क्या बोला, ये अरेबियन और ये फुल क्रैक इंसान। इसको आप किसी की भी मेहंदी लगवा दो, ये अपनी ही मेहंदी से खुश होती है, जो इसने खुद ने अगर अपने एक किसी हाथ पे लगा ली तो ये इंसान नहीं खुश होती। 500 रुपए छोड़ो, 5,000 की मेहंदी लगा के आओ ना, तो भी उसमें कमियां निकालती है। शादी की मेहंदी सबसे खुश देखा थी। नहीं, दिखाओ, इधर दिखाओ, देखो देखो, पास लाओ। नहीं तो ऐसे भी दिख रही हो। नहीं, पास मतलब मैं पास से बोलूंगी, मैं एक्चुअली मेरी तो शक्ल दिखाओ मेरी, ये लो। नहीं, दिखाओ अपनी शक्ल दिखाओ। मैं ना अपनी शादी की मेहंदी से भी खुश नहीं थी, मैं सुथरी थी, इस तरह से मैं खुद लगा लेती, मतलब I am someone जो अपने काम से सेटिस्फाई है। सिर्फ के लिए सिर्फ मेहंदी का केस में। बाकी हाँ, नहीं नहीं, और मैं अपने काम से ज्यादा सेटिस्फाई होती हूँ उसमें। और मेकअप के केस में भी। मेकअप के केस में भी। मतलब मुझे नहीं पसंद आता किसी और मेरे शक्ल पे, तो पोता पाती करे मेरे को। जितनी बार मैं अपनी शादी के मेकअप से भी खुश नहीं थी। ये मेरे से कल बोलती, क्या बोली, करवा चौथ ट्रीटमेंट वगैरह जो भी कराते हैं शादी के लिए, टीनू भी करा रही है तो इनको भी कराना है। तो मुझे बोलता है आपकी शादी हो रही है, मैंने बोला कि भैया आपकी शादी हो रही है, कैसे मतलब शादी हो रही है तभी करवाए, मैं वैसे भी कुछ नहीं करवाती हूँ। वैसे हाँ, मैं कहा फेशियल्स लेती हूँ या मैं ऐसे कुछ चीजें करवाती हूँ, तो अभी मेरी ननद की शादी हो रही है तो चमकना बनता है भाभी का भी। वाह, अभी फिर से कोई ट्रीटमेंट वगैरह या फिर कुछ और करा करके आप लोगों को दिखेगा। नहीं, अगर नहीं, ये आपसे पूछे कि मैं कैसी दिख रही हूँ तो मत जवाब देना। नहीं नहीं, पहले मैं टीनू का पूरा उसकी 3 सेटिंग्स होनी है, 1 हो गई है, 2 और होनी है, उसकी हो जाएगी तब तक तो शादी हो जाएगी, उसके बाद करवाऊंगी मैं। देखो पहले रिजल्ट आ रही हूँ, जब तक मैं रिस्क नहीं ले सकती अपने उसका, तो उसका रिजल्ट अगर आएगा जैसा मुझे लगेगा कि हाँ एकदम वाओ, तो मैं करा लूंगी। ठीक है, चलो अभी बाय गाइस, बिग बॉस देखेंगे। बिग बॉस गाइस, तो मैं अभी घर आ गई थी, मम्मी को मेहंदी वेहंदी सब कुछ लगा दी है, मेरी यहाँ पर ये जो बचा हुआ था वो भी लगा लिया, और अभी मैंने मम्मी को लगा दिया है तो मैं दिखाती हूँ। ये रही मम्मी को, पैरों में भी लगा दिया है और हाथों में लगा दिया, और वो
वो भी हो गई, मतलब खीर हाँ झड़ गई है। कल आएंगे वापस से करवा चौथ सेलिब्रेट करने के लिए, और मम्मी पहनने वाली है वो गाउन वाला ड्रेस, रेड कलर का गाउन ड्रेस, और मैं देखती हूँ क्या पहनूंगी, अभी तक मेरा डिसाइडेड नहीं है। किने अपना सेटअप किया है, क्या है कि वो बहुत गंदा हो गया था इसके लिए, अब ये प्रॉपर सेटअप हो चुका है। और चार पांच और स्क्रीन तो नहीं चाहिए ना? नहीं, नहीं, दिस इज इनफ फॉर यू। चलो, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट्स 4 o'clock एंड अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, और फटाफट से अपना जो थोड़ा सा सर्गी है जिस के ना ईट इट, तो थोड़ा सा पकवान का सिर्फ ऐसे ही हाथ वाथ जोड़ करके, वहाँ पर मुझे इतनी नींद आ रही है, वो कर करके मुँह फटाक से करती हूँ। ये कश्मीर में बैठा है हमारी लड़की। हेलो, एप्पल नहीं खा पाऊंगी मैं, मेरी टाइट है। इतनी ठंड भी नहीं लग रही जितनी विक्की को, तो ओवर ही पता नहीं ठंड में क्या करेगा यहाँ पे, हम लोगों को क्या ब्लैंकेट उड़ के बैठेगा ये। अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं 12:30 बजे सोई थी और अभी उठ भी गई हूँ फटाक से, तो आई एम स्लीपिंग एंड विल मीट यू उठने के बाद। मैं थोड़ा आराम से लेट उठूँगी क्योंकि आज मेरी जो हाउस हेल्प है वो भी नहीं आएंगी बिकॉज ऑफ उनका भी करवा चौथ का फास्ट है, तो मैंने छुट्टी दे दी थी उनको। तो अब मैं उठ करके फ्रेश आप लोगों से मिलती हूँ। Hey guys, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, God bless, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और रेडी हो करके अभी हम लोग जा रहे हैं। पहले हम सोच रहे थे मंदिर जाएंगे बट एक्चुअली हम लोग लेट हो गए, 12 बज गए यहाँ पर, 12 बजे के बाद सारे मंदिर जो है वो सब बंद हो जाते हैं। और लेट इसलिए हो गए क्योंकि हमारे जो विक्की महाराज है इसको मैं पिछले 4 दिन से बोल रही थी अपना जो भी ड्रेस या कुर्ता या जो भी पहनना है वो पहले से निकाल के रख लो, पर विक्की है जब आग लगने वाली होती है तब कुआं खोदता है पानी डालने के लिए। कहावत सुनी है ना ये विक्की की मम्मी विक्की को और टीनू को, दोनों को बोलती है, तो वैसे ही है कि जब आग लगने वाली होती तब ये कुआं खोदता है पानी के लिए, तो मेरे को भी परेशान कर रहा था, तो मैं खड़ी हो गई बिल्कुल एकदम एटीट्यूड में कि डोंट नो, आज मैं ढूंढने ही नहीं वाली हूँ। तो नहीं, मैं क्या हुआ, 4 बजे उठ गई थी सर्गी करने के लिए, उसके बाद फिर नींद नहीं आई मेरे को ढंग से, तो हम लोग उठ गए 6:30 बजे तक जगे ही थे, फिर उसके बाद 7:30 बजे अपना सारा पैक वैक करके कि मुझे क्या पहनना है, पैकिंग करने के बाद जब मुझे थोड़ी नींद आई मैंने कहा मैं सो के देखती हूँ, तब मैं सोई 7 से 11 बजे मैं उठ गई थी उस कैलकुलेशन से कि 12 बजे से पहले मैं रेडी हो जाऊँ, कि 10 मिनट में मैंने शावर लिया और रेडी हो गई। फिर टाइम लगा विक्की के उसमें कुर्ता वुर्ता ढूंढने में, तो उसमें लेट हो गया, बट ठीक है कोई नहीं, अभी मेरे जो घर के पीछे वाला मंदिर है वो हमेशा खुला रहता है तो वहाँ चले जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर पे एंड ये वाला कुर्ता मैंने पहना हुआ है, आई थिंक ये मैंने Amazon, हाँ आई थिंक नहीं Amazon से ही लिया था, और इसका लिंक भी आपको मेरे जो हॉल वीडियो होंगे ना उसमें मिल जाएगा, माई हॉल स्टोर जो है उसमें आराम से मिल जाएगा। कॉटन का है तो गर्मी वगैरह कुछ भी पता नहीं चल रही है, बहुत कंफर्टेबल है, और तो इसलिए मैंने ये दिन भर के लिए मैं यही पहनूंगी। और शाम को जो मैंने एग्जैक्ट ड्रेस लिया था रेड कलर का, वो शायद मैं स्किप करके साड़ी पहनूंगी। ये आधे दिन का हमारा सामान, ये है मम्मी का सूट डार्क पिंक कलर का, ये 2019 में लिया था है ना, कि 2020 जनवरी में जब कोविड नहीं आया था, 19 में लिया था, आज पहली बार निकाला है, तो ये मम्मी ने पहना है। और रात में मम्मी पहनने वाली है, कहाँ है ये रखा हुआ, ये वाला सूट पहनूंगी, और रात में मैं पहनूंगी आई गेस ये वाली साड़ी या फिर ये वाला सूट, लेट्स सी। तो मैंने पहन लिए हैं ये इयररिंग्स, चेंज कर लिए हैं दिस इयररिंग, दिस इज लुकिंग प्रिटी विद दिस ड्रेस, और ये वाली ड्रेस, ये एक्चुअली दुपट्टे के बिना ज़्यादा अच्छी लग रही है, कुर्ता प्लाजो जो है ना दुपट्टे के बिना ये बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन दुपट्टे के साथ ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो यस, दिन में क्या ही है, कुछ काम नहीं है, 4:30-5 बजे से एग्जैक्टली पूजा वूजा की तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मतलब इस लेवल की नींद आ रही है ना कि ऐसा लग रहा है अभी सो जाए, मम्मी भी झपकी ले रही है मैं भी झपकी ले रही हूँ, मतलब हम लोग फोन पे बात कर रहे थे, बुआ का फोन आया ना तो हम दोनों ऐसे यॉन कर रहे थे जैसे हम 4 दिन से सोए नहीं है, तो अभी बस पूजा की तैयारी करना चालू करते हैं बिकॉज अभी 4:30 हो गया है ऑलमोस्ट। तो
दिस इज माई करवा, ये मैंने DIY किया था 2017 करवा चौथ में, फर्स्ट करवा चौथ में मैंने, तब मैंने वीडियोज़ भी बनाना चालू किया था, इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। सो दिस इज़ माई DIY करवा, वही यूज़ करती हूँ मैं। उसके बाद ये छन्नी भी मैंने DIY करी थी, अब तो ये बहुत ईजिली इस तरह की आपको मार्केट में मिल जाएगी, बट ये मैंने ये लटकन पटकन लगा के एकदम धमाकेदार इसको बना दी थी। ये मम्मी का करवा एकदम प्लेन, बिकॉज वो उसमें पानी पीती हैं, तो ये वाला मम्मी का करवा है। तो ये हम लोगों की जो थाली है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हम लोगों ने हमारी ये जो करवा चौथ पूजन की वो है पोस्टर वो लगाया है, और ये मम्मी का करवा है, ये मेरा करवा है। यहाँ पर कुछ फ्रूट्स रखे हैं, साथ में फ्लावर्स रखे हैं, दूबा है ना ये, दूबा देन, हाँ दूबा है गणपति जी के लिए। ये कपूर है, दिया है, गणपति जी बनाएंगे, ये गौर है, हाँ इनसे गणपति जी बनाएंगे, ये गौर है, ये काय की बनी है, गोबर की, गोबर की, गोबर की, हाँ ये आंटी ने हमको बना के दी थी, हमारी नेबर आंटी है उन्होंने। और ये आटी जो हाथ में बांधते हैं, चावल, हल्दी, कुमकुम, ये सुहाग जो बुआ को जाएगी वो, और मेरी मदर इन लॉ के लिए ऐसी एक और बनेगी जो मैं दूंगी। ओके गाइस, सो आई एम डन विथ माई साड़ी, दिस इज माई ओल्ड साड़ी, वेडिंग साड़ी है ये, नॉट ए न्यू वन। इसलिए कोई साड़ी नहीं खरीदी बिकॉज ये मेरी शादी की साड़ी है, जो 5 साड़ियाँ आई थी मेरी शादी में, मतलब ली थी मैंने वो, और इसको आई थिंक जीवन में मैंने एक बार शादी के बाद ही सिर्फ कथा थी तब पहना था, उसके बाद से कभी पहना ही नहीं है, सो आई थॉट कि इसको मैं अभी पहन लूँगी। और फटाक से फेस मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो एक डिजास्टर ये किया है कि मैं आई शेडो पैलेट लेकर के आ गई हूँ, बट कोई भी आई मेकअप ब्रश नहीं लेके आई हूँ, तो अब फिंगर टिप की हेल्प से ही काम करते हैं। ये है मम्मी का कुर्ता जो मैंने मंगवाया था, एक्चुअली वो भी साड़ी नहीं पहन सकते बिकॉज स्टिचेस तो ठीक हो गए बट स्टिल थोड़ा सा हाँ इजी रहने के लिए। ये ऐसे अनारकली कुर्ता जो मैंने मीशो से मंगवाया था वो मम्मी पहनी हुई है, एंड ये बहुत सुंदर लग रहा है ना, मम्मी को बहुत कम्फर्टेबल है ना, तो इसलिए उन्होंने जो कम्फर्ट है वो पहन लिया, नहीं तो हर बार तो वो भी काफी हैवी हैवी साड़ी या लहंगा वगैरह पहन लेती है, बट अभी ठीक है इस साल नेक्स्ट ईयर पहन लेंगी है ना। हम लोगों की पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है, मैं आपको एक बार पास से अपनी साड़ी का जो ये वर्क है वो बताती हूँ। एक्चुअली अब इस तरह की साड़ी का फैशन नहीं है, ये तब काफी ट्रेंड में थी, तो ये मैं, टीनू और विक्की गए थे तब हम तीनों ने पसंद करी थी, बट नाउ आई डोंट लाइक इट, मतलब मुझे अब थोड़ा सिल्क बनारसी इस तरह की साड़ी पहनना ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू दिस टाइप ऑफ साड़ी, ये वर्क वर्क वाली। बट मैं आपको इसका पास दिखाती हूँ, काफी हैवी सा इसका वर्क है, मतलब काफी सुंदर है, नो डाउट बहुत सुंदर साड़ी है ये। कि अब मैं इसको निकाल दूंगी, मतलब निकाल दूंगी इन द सेंस मीन्स मम्मी को दे दूंगी या मेरी मदर इन लॉ को दे दूंगी या जिसको लेना होगा वो उसको दे दूंगी, वैसा वाला निकाल दूंगी। तो मैं चेंज कर रही हूँ और चेंज करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने प्रेशर में खींच रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मेरे इयररिंग्स अभी फट करके निकल जाएंगे, मतलब लिटरली फाड़ करके गाल को नीचे टबक जाएंगे, इतने ज्यादा हैवी है भाई, इनको निकाल करके वापस अपने छोटे छोटे टॉप्स पहनती हूँ। अभी हम लोग बैठे मैचिंग लग रहा है, जबकि ये थोड़ा डार्क रेड है, ये थोड़ा लाइट ऑरेंजिश रेड है, बट स्टिल कैमरे में एकदम मैचिंग लग रहे हैं। तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं चांद का,
मम्मी ने वैसा वाला फास्ट नहीं किया एकदम टिपिकल वाला, क्योंकि उनको हाँ जूस वगैरह लिया है क्योंकि वो दवाइयाँ वगैरह खाती हैं, तो वैसा वाला उन्होंने नहीं किया है। सबने मना ही कर दिया था स्ट्रिक्टली कि वैसा करना भी मत। हम लोगों ने भी दो दो तीन तीन घंटे में उनको कुछ खाने के लिए बोल रहे थे, बट अब सीधे खाना खाएंगे। तो यस, अब जब चांद निकल जाएगा तब आप लोगों को लेकर के चलूंगी मैं ऊपर टेरेस पे। तो हम सब लोग आ गए हैं टेरेस पे और ये देखने के लिए कि चांद आया है कि नहीं आया है। और जस्ट वहाँ सामने, ऐसा नहीं है बादल में, मतलब ये नहीं, वो जो दिख रहा है ना वो सामने चांद आ गया है। हमारी चांदवान सबकी पूजा हो चुकी है। अब ये देखो, इसको देखो जरा, ये स्वेटर पहना हुआ है, इसको इतनी नीचे वो भी है, कुर्ता भी है, हाँ इतनी ठंड लग रही है इसको। अब सब चेंज वेंज करके रिलैक्स होकर खाना खाएंगे भाई। तो हम लोग घर आ गए हैं और सब चेंज वेंज कर लिया है। मैं फटाक से अपना फेस वेस वॉश करूंगी और अब थक गए हैं तो सोएंगे बिग बॉस देखते देखते। एंड आज मैंने अपना नया नाइट सूट पहना है। एनीवेज गाइस, तो आज है करवा चौथ का नेक्स्ट डे और हम लोग जा रहे हैं आईफोन 13 लेने। लेकिन मेरे लिए नहीं, वो आ रहा है टीनू के लिए, बट मैं भी उतनी ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि घर में आ रहा है। तो ये बिल्कुल आकर के एकदम पूछिए चल रही है क्या, मैं बिल्कुल फटाफट मेरे कहा चल फटाक से चलते हैं लेकर के आते हैं। तो हम लोग वही लेने जा रहे हैं और आई थिंक ये काफी दिनों से ट्राई कर रही थी, मिल नहीं रहा था कहीं पे भी, ना शॉप्स पे अवेलेबल था, मॉल्स पे अवेलेबल था, है ना। तुमने काफी जगह पे चेक किया, सारे भोपाल के सारे स्टोर्स, सारे स्टोर्स पे चेक कर लिया। फाइनली आज बिट्टन जा रहे हैं ना अपन, बिट्टन पे अवेलेबल है, उसको कॉल वॉल आ गया है तो वही लेने के लिए जा रहे हैं। एंड ये एक्चुअली फेस इसलिए इस तरह से कवर करी हुई है बिकॉज मैंने बताया था इससे वो ट्रीटमेंट लिया है। ये थोड़ा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, सन में एकदम निकलना नहीं पड़ता सनलाइट में, तो वैसा है। और यार यहाँ ट्रैफिक ही नहीं है यार। सुंदर लग रहा है कलर, है ना। ये हमने कवर फाइनल किया है। आपने कुछ नहीं लिया क्या? नहीं, हम लोग आ गए हैं, सब फोन वोन लेकर के घर पे बता दिया है फोन के बारे में। एंड शी इज वेरी एक्साइटेड, इवन आई एम वेरी एक्साइटेड। तो बस आज का वीडियो जो है वो मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।